अगर मुझे उपनिषद समझना है ठीक से तो मुझे क्या समझना पड़ेगा, हम सब क्या है, आत्मा है, और हमको अल्टीमेटली कहां पे जाना है, परमात्मा में जाना है। अल्टीमेटली आई ही एवरीबडी वी आर ऑल वन। इफ यू गेट द राइट नॉलेज एवरीवन दिस एंटायर वर्ल्ड यू कैन से दिस टेबल दिस मोबाइल एवरीथिंग इज जस्ट वन। माय बिहेवियर वुड चेंज बिकॉज आई हैव नाउ गॉट द रियल नॉलेज। ये रियल नॉलेज को क्या बोला जाता है, कीवर्ड नॉलेज ऑफ सेल्फ। एंड व्हेन दिस आत्मा इज अटैच्ड टू द मटेरियल थिंग्स दैट इज माय बॉडी, माय बॉडी इज व्हाट मटेरियल यू कैन से। व्हेन आत्मा इज अटैच्ड टू दिस टैंजिबल थिंग राइट, दिस बॉडी एंड आत्मा आर डूइंग व्हाट, दे आर डूइंग एक्शंस, दिस एक्शंस आर कॉल्ड एज कर्म। और ये एक्शंस अगर आपके नेगेटिव पॉजिटिव एक्शंस है तो उसको आपका जो है उसके फ्रूट्स आपको बेयर करने पड़ेंगे। दैट इज व्हाई यू आर गोइंग थ्रू द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वंस आपके सारे कर्म खत्म हो गए राइट, कब कर्म खत्म होंगे, व्हेन यू अंडरस्टैंड द ट्रू नॉलेज एंड यू आर नॉट लिविंग अ लाइफ ऑफ मटेरियलिज्म, देन यू कैन बिकम वन विद द परमात्मा। अल्टीमेटली यू विल गेट व्हाट, मोक्ष। जब भी किसी को मिलते हो तो हिंदू फिलोसॉफी में क्या बोलते हो आप, नमस्ते। नमस्ते मतलब का मीनिंग ही है कि आपके अंदर की जो आत्मा है विच इज द पार्ट ऑफ परमात्मा, उसको मैं नमन कर रहा हूं। इफ यू हैव द पार्ट ऑफ डिवाइन और हमने ये अच्छे से इंप्लीमेंट कर लिया, देन दिस इज द मॉडर्न कंसेप्ट आज का जो है। इधर से ऑटोमेटिकली क्या कंसेप्ट आ सकता है, इक्वालिटी, बिकॉज एवरी वन इज इक्वल। मॉडर्निज्म में क्या है, लिबरलिज्म, इफ एवरीबडी इज इक्वल एवरीबडी शुड बी गिवन द फ्रीडम टू डू व्हाट एवर दे वॉन्ट टू डू, देर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन। एंड सर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वाई उपनिषद इज सेट टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट फिलोसॉफी इज बिकॉज पीपल हैड गॉट फेड अप ऑफ द रिचुअल्स ऑफ द सैक्रिफाइसेस एंड द over importance of Brahmins. Here, what is this philosophy saying? This philosophy is saying you do not require any intermediaries because you yourself are the part of the डिवाइन। तो शूद्र कहां से बन गए आप, मेरे में भी डिवाइन है, आप में भी डिवाइन है, आप कैसे ब्राह्मण बन गए, हम सब क्या है, इक्वल। और मुझे अगर भगवान के पास जाना है तो मुझे कोई इंटरमीडिएटरी की जरूरत है क्या, सैक्रिफाइस करने की जरूरत है क्या, रिचुअल करने की जरूरत है क्या, नहीं। मुझे अगर भगवान के पास जाना है तो मुझे किसकी जरूरत है, ट्रू नॉलेज। एंड व्हाट इज दैट ट्रू नॉलेज, नॉलेज ऑफ द सेल्फ। ये उपनिषद इतना पॉपुलर क्यों हो गया, व्हाट इज ट्रू इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। स्पिरिचुअल वर्ल्ड मतलब क्या है, कि क्या है, एक परमात्मा है और आप सब कौन हो, आत्मा हो। एंड परमात्मा इज नॉन डिस्ट्रक्टिबल, परमात्मा को आप कोई हाथ नहीं लगा सकते, परमात्मा ये हमेशा था, रहेगा और है। व्हाट इज ट्रू फॉर द स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज गोइंग टू बी ट्रू फॉर द फिजिकल वर्ल्ड। क्लैरिटी आई गई, दैट इज व्हाई उपनिषद, ये जो थिंकिंग का लेवल है ना, अभी तक एकदम सिंपल रिलीजन था, मटेरियलिस्टिक रिलीजन था, अब थिंकिंग का लेवल क्या हो गया, एकदम ऊपर चला गया। इसके लिए इसको क्या बोला गया है, वेदांत, द अल्टीमेट फिलोसॉफी।